आजमाया ही नहीं है। अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछें एक दफ़ा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बताएं कभी कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को अजियत में देखे तो वो उसे कहे यार ठीक है आप सफ़र करें? नॉट एट ऑल, कभी ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप अपने पेरेंट्स से बाहर, असल में हुआ क्या, ये सारा हमारा कल्चर कैसे चेंज हुआ, जिस वक्त हम पेरेंट्स के साथ बैठा करते थे ना, वो रिप्लेस हो गया टाइम फोन के साथ। जब हम प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलते थे ना, व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज, आई यूज्ड टू रिमेंबर कि जब मैं वापस आता था तो मैं आई यूज्ड टू गो टू माय प्लेग्राउंड खेलने के लिए, हम वहाँ पे खेलते थे। अब मैं वहाँ पे कभी देखता हूँ तो वो पूरा ग्राउंड खाली है, क्यों? क्योंकि अब वो जो फुटबॉल गेम है, वो क्रिकेट गेम है, वो बच्चों ने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लिया। तो जो पेरेंट्स की कनेक्टिविटी थी बच्चों के साथ, वो नहीं रही। अगर एक बच्चा घर में चुप चुप रहता है, बोलता नहीं है, परेशान रहता है, पेरेंट्स का सबसे पहला काम ये बनता है कि वो उसका फ़ोन को चेक कर लें, ठीक है? अगर बच्चे कहते हैं आप मेरी प्राइवेसी इनवेड कर रहे हैं, लॉक लगे होते हैं, अच्छा उसका भी आसान हल है, उसका भी आसान हल है, अगर बनाना पड़ता है, अच्छा वो रिलेशनशिप जी, उसका आसान हल ये है कि आप पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, ऐड हो, बच्चे ऐड नहीं करते, कोशिश करें कि ऐड हो जी, ताकि फ्रेंडली। देखिए आप ये तो पेरेंट्स और बच्चों का काम है कि वो अपने आपस में कैसे ताल्लुक रखें, पेरेंट्स को भी चाहिए कि ये जो नई जनरेशन के बच्चे हैं ना, इनको नए तरीके से ट्रीट करें। असल में ट्रेनिंग जो है ना वो पेरेंट्स की जरूरी है, बच्चों की नहीं। आई एग्री, पेरेंट्स की। अभी हम जो डिस्कशन सुन रहे थे और कर रहे थे ना, उसमें मेरे जहन में दो बातें आ रही थी, एंड वाज वेटिंग के कब मुझे थोड़ा सा मौका मिले और मैं कहूँ। एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी जो विक्टिम है वो कैसे बच सकता है, दूसरी चीज़ हम ये नहीं देख रहे कि जो कल्प्रिट है वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये दोनों चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वी जस्ट कांट प्रोटेक्ट द विक्टिम, वी हैव टू प्रोटेक्ट द कल्प्रिट ऑल्सो। वो प्रोटेक्शन ये नहीं कि उसको हम सजा ना दें, प्रोटेक्शन ये कि वो इस डगर पे चल क्यों रहा है, ये ज़रूरी है। और वो रीज़न क्या है, वो रीज़न यही पेरेंटिंग से ही स्टार्ट होती है। हाउ यू आर बींग ब्रॉट अप इन अ फैमिली, हाउ योर पेरेंट्स आर डीलिंग विद योर ट्रस्ट इशूज, दिस मेक्स यू अ पर्सन हु इज़ गुड और बैड। सो इफ़ ऐसे लोग हैं, मतलब ये जो कल्प्रिट्स हैं, ये जो तस्वीरें दूसरों की शेयर करते हैं या आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, ये भी तो इंसान ही है ना, इनकी भी फैमिलीज हैं, इनके भी पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं। रीज़न ये है कि इनके साथ जो लाइफ इन्होंने गुजारी होती ना, वो बहुत और तरह की ट्रॉमेटिक लाइफ होती है। दे डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स, विद देयर सिबलिंग्स, दे डोंट हैव अ सपोर्ट सिस्टम, एंड दे ट्राई टू फाइंड इट इन पीपल जिसके ऊपर वो डोमिनेंस शो कर सकें। जहाँ पर वो डोमिनेंस शो कर सकते हैं, वहाँ पे फिर उनको और मौका मिलता है अपनी पावर को एक्सप्रेस करने का। और वहाँ पे जो विक्टिम होता है वो बेचारा उस पावर के इन्फ्लुएंस में आके ना अपनी आवाज़ उठाना बंद कर देता है। तो इट्स अ टू वे गेम। आप कहीं पे भी कल्प्रिट को 100% ब्लेम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ब्लेम जो है वो विक्टिम को भी जाता है। अब इसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, जिसके लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हैं, मैं ये नहीं समझती कि सिर्फ ख्वातीन ही इस वक्त वल्नरेबल हैं इस सारे क्राइम के के विक्टिम बनने में। मर्द भी होते हैं, लड़के भी बहुत सारा हरासमेंट जो है वो फेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो द थिंग इज़ द मेरा ख्याल है इस पूरा पैनल इस पे जो है वो एग्री करेगा कि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमें इधर उधर ढूंढने की बजाय अपनी फैमिली को सपोर्ट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, देयर विल बी नो पेरेंट हु इज़ नॉट स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ हिज किड If he is in pain or she is in pain, तो हमें अपना support system identify करना है। वो आपके parents हैं और कहीं ना कहीं आपके siblings हैं। Friends जो आप बात कर रहे थे ना कि जी friends माँ बाप साथ नहीं देते या भाई बहन साथ नहीं देते, दोस्त भी तो आप ही के age fellow है ना, दोस्त भी अपने उसी जहन से आपको मशवरा देंगे जो आपका जहन है, जितना उनका experience है उतना ही आपका है। सो आई गेस दे आर नॉट द पर्सन हु कैन यू नो सपोर्ट यू, वो सिर्फ आपको सुन सकते हैं और शायद कहीं ना कहीं पीछे बैठ के आपका मजाक भी उड़ाते होंगे, बिकॉज दे कांट बी यू नो अनकंडीशनल एंड नॉन जजमेंटल। ये सिर्फ क्वालिटी जो है वो एक पेरेंट में ही होती है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये भी कहना चाहूँगी कि जो कल्प्रिट्स हैं, अगर उनको सज़ा हो जाती है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि उनको सज़ा हो जाती है, तो वहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आई गेस उन दोज दैट इंस्टीट्यूट शुड बी लाइक अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, सो दैट दे कैन बी कमिंग आउट ऑफ इट being a better human. किसी को ब्लैकमेल करने पे मेरे ख्याल से एक बीमारी है। बिल्कुल, yes, it is a trait, anti social trait है। जो कॉलर ने अभी कहा कि she is in trouble, yes, in a mental trouble, तो मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए भी कुछ सजेस्ट करें एज अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, कि अभी जैसे उनके रिश्ते भी चल रहे हैं, पास्ट का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, लेकिन जो एक्स है वो तंग कर रहा है, सर्टन पिक्चर्स या व्हाटसोएवर इट इज,
और उसके साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो अफेक्ट कर रही है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ शी शुड, अगर इस बच्ची ने, इस लड़की ने इतना करेज डेवलप किया है ना कि इस फोन के ऊपर हमसे बात की है, बिल्कुल, तो इतना ही करेज डेवलप करे, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे और उनको कहे कि लेट्स फाइट इट एंड शी विल बी गेटिंग इट डन इन जस्ट यू नो फ्यू डेज, इट विल बी ऑल ओवर. लेकिन वो खवातीन, वो बच्चियाँ, मैं भी एजुकेशन सेक्टर से हूँ, मिस बुशरा भी एजुकेशन सेक्टर से हैं, हम डेली बेसिस पे बहुत सी लड़कियों को देखते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं. एंड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, टीचर का काम सिर्फ क्लास में जाके लेक्चर देना नहीं है, उसका लेक्चर कंक्लूड मॉरेलिटी पे होना चाहिए. मॉरल बात, कोई एक अच्छा मैसेज दिन का अपनी स्टूडेंट्स को दें, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी स्टूडेंट जो है उसमें कॉन्फिडेंस की लैकिंग नहीं होगी, एंड शी और ही विल नॉट बी गोइंग ऑन द इमोरल. मुझे एक चीज़ और बतानी है आप लोग को और पूछनी भी है, जैसे कि उसको पता है कि ब्लैकमेलर कौन है या तंग करने वाला कौन है, तो शी कैन ऑल्सो अप्रोच हिज और हर फैमिली. बिल्कुल, यस. And talk, table talk हो सकती है, मतलब she can also, you know, alert her family और parents के साथ involve हो सकते हैं, कभी हो सकते हैं, anyone. तो I think उसकी family को भी involve किया जा सकता है कि he has a certain situation he is going through and he is also messing my life as well. Exactly. ये वो बातें हैं जो हम समझते हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान ही सुन सकता है, समझ सकता है और अमल कर सकता है. हमारे अंदर ना शऊर की कमी है और हमारे अंदर पेशेंस की कमी है, हमारे अंदर चीज़ों को सरफेस पे सिर्फ समझते हैं एंड वी इमीडिएटली गिव जजमेंट्स अबाउट द थिंग वी हियर. सो वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच इफ वी वांट टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन द कम्युनिटी. अब ये भी जो लड़की है जिसने अपना केस डिस्कस किया है, मेरा उसको मशवरा यही होगा कि शी शुड टॉक टू हर पेरेंट्स. एंड आई गेस जितनी उसने करेज से यहाँ पे फ़ोन किया, उसके पेरेंट्स उसने ही सपोर्टिव होंगे, बिकॉज उसका करेज ये डिस्प्ले कर रहा है, ये इट्स अ गारंटी दैट शी हैज़ अ सपोर्टिव यू नो फैमिली. तो वो करें, और उनका केस तो बिल्कुल क्लियर है, इसको पता है कि कौन तंग कर रहा है. अगर वो एक फैमिली है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ फैमिली के साथ बैठ के बात की जा सकती है, तो वो भी करें. एंड आई गेस वो जो विक्टिम है, सॉरी कल्प्रिट है, उसको ज़्यादा मेंटल असिस्टेंस की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा इस काउंसलिंग की ज़रूरत है कि प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय यू नो और ट्राई टू डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ एनी अदर गर्ल. तो मेरा ख्याल है कि लड़कियों को पहले ही, अगर रिलेशनशिप में आती भी है ना, तो पहले ही रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि द पर्सन हु इज़ डिमांडिंग फॉर पिक्चर्स एंड लाइक ही सेड कि मैं देख के डिलीट कर दूंगा, दैट इज़ सिवियर रेड फ्लैग. आप असर्टिवनेस सीखें, ट्राई टू से और लर्न टू से नो टू थिंग्स व्हिच यू आर नॉट कंफर्टेबल. व्हाई कांट यू से नो टू थिंग्स व्हिच यू आर नॉट कंफर्टेबल. एक पेज पे लेकर ही आए, लेकिन अगर तो आपको ब्लैकमेलर का पता है, तो आप उसकी फैमिली को भी साथ खींचिए. बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, आजकल के पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जब ये गैजेट उन बच्चों के हाथ में है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उनको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए उन बच्चों के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो देखें बच्चा डिस्टर्ब है या बच्ची डिस्टर्ब है, उसे पूछें, बिठाएं, उसकी काउंसलिंग कराएं, उसे इशू क्या है ये पहले. हालांकि ऑल्दो लड़की दब जाती है, जरा एक 10% there is a nature human instinct, लेकिन यहाँ पे भी confidence ही होना चाहिए लड़की को. जी सर, मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि जो मॉडर्न AI टूल्स अब आ गए हैं, डीप फेक वीडियोस आ जाती हैं जिसमें फेक प्रोफाइल्स हैं, तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ था डक्की भाई और रूप जतुई का, तो वो काफ़ी ज़रा प्रोमिनेंट हुआ था और हाइप भी क्रिएट हुई थी और लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर एक्शन भी लिया था और लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू कर दिया था. तो आप क्या समझती हैं कि जो मॉडर्न AI टूल्स हैं वो साइबरक्राइम में कितना लोगों को फंसा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल जैसे हमने बात की कि साइबर से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और साइबर क्राइम में हमारे पास सिर्फ, अब जिस तरह जैन ने बात की कि अब चीज़ें AI आ गई और चीज़ आ गई है, हमारे लॉज बहुत आराम से बन रहे हैं और जो क्राइम्स हैं वो ज़्यादा कमिट हो रहे हैं. सो द पॉइंट इज़ कि देखिए, जब ये इस तरह के क्राइम्स होते हैं तो मुझे लगता है आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग दिस थिंग और नॉट, बट ये चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें आती हैं तो हमें पता चलता है कि हमने इनके ऊपर एक्शंस भी क्या क्या लेने हैं. जब तक एक जराइम सोसाइटी में कमिट नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा कि इसका हमने हल कैसे निकालना है. तो जब वो कमिट होगा तो हमें पता चलेगा, ओ अच्छा, इस चीज़ से ये भी हो सकता है, अब हमने इसका क्या हल निकालना है. द पॉइंट इज़ अगेन स्टार्टिंग ऑफ विद द थिंग कि आपने इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं करनी, बल्कि लोगों के अंदर इस शऊर को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है कि ठीक है, ये चीज़ हो गई है, अब इसके ऊपर एक्शन किस तरह लेना है. अब इसके ऊपर जैसे जैन ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया किस तरह के लोगों का IP एड्रेसेस होते हैं, IP एड्रेसेस आप जाके फिर आपको पता चलता है कि बैक स्टेप पे कौन बैठा हुआ था और कौन इन चीज़ों को ऑपरेट कर रहा था, फिर आप उन चीज़ों को ऑपरेट करके उन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे ये AI जैसी टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, ये भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं पीछे.
एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी लिविंग इन अ पाकिस्तान स्टेट जो कि ऑलरेडी डिवेलपिंग इकोनॉमी में, वी आर नॉट ए डिवेलप स्टेट, और ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे जैन ने आपको बताया ये बाहर की चीज़ें बनी हुई हैं, हमारे तक उनकी रसाई होते होते टाइम लग जाता है। तो जाहिर सी बात है विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग, और इनको टाइम लगेगा कि जब तक हमारे वो आप ये कह लें सिस्टम में ये चीज़ इनकॉर्पोरेट हो जाए या इनकल्पेट हो जाए, लेकिन सबसे पहला स्टेप है इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट होना। रिपोर्ट होएंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सोसाइटी में लोगों को पता चलेगा ये एक इशू आ रहा है, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। जिस तरह आपने देखा FIA का दायरा बना, FIA के बाद एक नया इदारा बन गया, जिस तरह अभी हमने देखा कि एक और क्राइम्स के हमारी जो क्रिमिनोलॉजी है या हम लोगों के जो हम लोगों का बेसिकली क्राइम सेक्टर है उसके अंदर बुलिंग का एक अनदर हम लोग का सेक्शन ऐड हो गया। इसी तरह ही हम लोगों के जितने ज़्यादा लॉज बनेंगे, जितनी ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर इनकॉर्पोरेशन होगी, उतना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। लेकिन उसमें अगेन हमें सबसे ज़्यादा ये चाहिए कि एज अ सोसाइटी, जहाँ में हमारे पास एजुकेशनलिस्ट भी मौजूद हैं, हमारे पास हेल्थ से भी लोग मौजूद हैं, द पॉइंट इज़ कि एक इंसान के अंदर, मैं ये समझती हूँ कि जैसे अभी हम फैमिली की बात कर रहे थे, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन इट, काफ़ी दफ़ा फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा अनसपोर्टिव भी कुछ होती हैं। जैसे जैन ने कहा बिल्कुल कोई फैमिली ऐसी नहीं होगी जब उसको ये पता चलेगा उसका बच्चा प्रॉब्लम में है तो दे नॉट गोइंग टू बी देयर, दे विल बी। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ इज्जत की बात के ऊपर कहते हैं बेटा चुप करके बैठ जाओ, आगे रिश्तों में प्रॉब्लम होएगी वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, तुम्हारा नाम ख़राब होगा, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम्हारी छोटी बहनें हैं उन पर असर पड़ेगा, चुप करके बैठ जाओ। अगर वो आपको दबा भी रहे हैं ना, यहाँ पर लड़की को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और वो स्ट्रांगनेस आपके अंदर कुछ लोगों के अंदर इनबिल्ट होती है। और जैसे मैम ने बताया टीचर्स का काम खाली टीचर्स तक नहीं होना चाहिए, उनको अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इनक्रेज करना चाहिए, और वो आपको खुद ब खुद ही अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। कैंसर का सबसे बड़ा इलाज ना विल पावर है, जब तक आपके अंदर अपनी विल नहीं होगी ना आप उस चीज़ को इराडिकेट नहीं कर सकोगे, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन AI की बात जहाँ तक आती है, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए इंशाल्लाह हम आगे भी आ जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को विद टाइम हम लोग इसका सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ इस पर लॉज पर ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। लॉज अभी AI के एज सच पाकिस्तान में एड्रेस नहीं हुए थे, लेकिन विद टाइम जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसके इश्यूज भी एड्रेस हो जाएंगे। आई थिंक जैन वुड लाइक टू ऐड फर्दर मोर ऑन दिस। जी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेशली जो कंसेप्ट ऑफ डीप फेक है, इसमें दो तीन चीज़ों के ऊपर हमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। जैसे अमृत ने बताया बिल्कुल लॉज जो हैं वो तेज़ी के साथ आपको चेंज करने होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। अगर आप किसी एक फेक वीडियो को एक ओरिजिनल वीडियो के साथ डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके सामने एक ओरिजिनल वीडियो का होना ज़रूरी है उस फेक वीडियो से उसको अलहदा करने के लिए। प्लस आप फिर भी डिटरमिन कर सकते हैं कि ये वीडियो फेक थी या ये वीडियो ओरिजिनल है जब आप उसका वीडियो एनालिसिस कर लेंगे। अब ऑब्वियसली वीडियो एनालिसिस में फ्रेम बाय फ्रेम स्लो मोशन में जाते हुए आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी नतीजे में उसकी फॉरेंसिक्स के थ्रू पहुंच जाते हैं कि ये फेक थी या ये ओरिजिनल थी। बात यहाँ पे उसकी डिटर्मिनेशन की नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि हमें ये लोगों को बताना होगा कि जो लोग ऐसा काम करते हैं। सॉरी टू कट यू, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, देयर इज अनदर कॉलर एंड अ गेस्ट एज़ वेल। जी हमारे साथ राबी पीरजादा है ऑडियो कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम, आई रियली अप्रिशिएट द नेम मेरी सहेली। थैंक यू राबी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। जी राबिया, हमारा आज का जो टॉपिक है वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में जब खवातीनों हजरात ट्रैप हो जाती हैं तो उनको किस तरह से निकलना चाहिए, कोई इनका पर्सनल डाटा हैक हो जाता है, और इसके हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे अपने नाज़रीन को। तो जैसे कि राबी आप इस वक्त मौजूद है ऑडियो लिंक पर, आप बताइए कि आपके साथ भी एक ऐसा सर्टन केस हो चुका है पास्ट में, आपकी कोई पर्सनल वीडियो थी जो कि लीक हुई थी, आपका पर्सनल डाटा लीक हुआ था, तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया था, उसको किस तरह से मैनेज किया था, और आपने अपने आप को इस फेस से कैसे निकाला था?